नमस्कार, स्वागत है आपका हरियाणा न्यूज में। आप देख रहे हैं बड़ी खबर, आपके साथ मैं हूं भुवन शर्मा। बड़ी खबर में हम बात मनोहर के लाल करनाल की। करनाल जिसे एक साल में सीएम ने बना दिया करोड़ों का लाल, और एक तरफ सूबे के वो सात जिले जिनसे हुआ सौतेला व्यवहार। तो सीएम सिटी करनाल में सीएम के ऐच्छिक कोष से बीते एक साल में करोड़ों खर्च किए गए। दिल्ली और हरिद्वार तक के लिए सीएम ने फंड दिए, लेकिन दक्षिण हरियाणा की अनदेखी हो गई। क्यों, क्या मायने हैं इसके, समझेंगे देखेंगे, लेकिन उससे पहले आपको दिखाते हैं रिपोर्ट। करनाल पर लाल की मेहरबानी, सीएम के शहर पर करोड़ों की बारिश, लाडले से लगाव, अपनों से भेदभाव, आरोप लगाने वाले खुद आरोपों में घिरे। कहते हैं मां और मुखिया अपने बच्चों में कभी भेदभाव नहीं करते, भले ही कोई लाडला हो या सबसे छोटा। लेकिन लगता है कि सूबे के मुखिया मनोहर लाल को तो महज अपना ही लाल नजर आता है, अपनी गली, अपना मोहल्ला, अपना शहर और अपना विकास। विपक्ष में रहते हुए विकास में भेदभाव की आवाज बुलंद करने वाले आज उसी लाइन पर चल दिए जिसके लिए डेढ़ साल पहले तक कांग्रेसियों को कोसा करते थे। लाडले की राजनीति करने वाले कोई और नहीं बल्कि सूबे के मुखिया मनोहर लाल खट्टर हैं, जिनकी जेब से करनाल की खातिर करोड़ों निकले, लेकिन दूसरे जिलों के लिए कौड़ी की भी गुंजाइश नहीं नजर आती। आरटीआई पर सीएमओ से मिली जानकारी के मुताबिक दिसंबर 2014 से दिसंबर 2015 तक सीएम के स्वैच्छिक कोटे से 14 करोड़ 31 लाख रुपए बांटे गए, जिसमें से 61% यानी 8 करोड़ 76 लाख रुपए केवल करनाल जिले के गांव, संस्थाओं और स्कूलों को दिए गए। बाकी 5 करोड़ 55 लाख रुपए राज्य के दूसरे 14 जिलों को दिए गए। लेकिन प्रदेश के 7 जिले ऐसे भी हैं जो सिर्फ मुंह ताकते रह गए। सीएम के कोटे से उन्हें एक रुपया भी नहीं मिला। इन 7 राज्यों में सीएम के सपनों की स्मार्ट सिटी गुड़गांव, महेंद्रगढ़, भिवानी, फतेहाबाद, जींद और सिरसा शामिल हैं। दक्षिण हरियाणा के इन 7 जिलों में विकास नहीं बल्कि भेदभाव के बीज बोए गए हैं। सीएम ने अपने निर्वाचन जिला करनाल के 6 गांवों में विकास कार्यों के लिए 1-1 करोड़ रुपए दिए। घरौना के राजकीय कन्या विद्यालय को 1 करोड़ की राशि, कल्पना चावला मेडिकल यूनिवर्सिटी को 1 करोड़ की राशि, करनाल को विकास कार्यों के लिए 1 करोड़ की राशि, हिसार नगर निगम को शहर के विकास कार्यों के लिए सीएम के कोटे से 1 करोड़ रुपए दिए गए। सीएम कोटे से दिल्ली के संस्कार भारती को 2 लाख रुपए और हरिद्वार के भारत माता जनहित ट्रस्ट को हॉस्टल निर्माण के लिए 11 लाख रुपए दिए गए। सूबे से दूर दिल्ली और हरिद्वार के लिए भी मुख्यमंत्री का दिल पसीजा, लेकिन अपने ही राज्य के उन 7 जिलों पर रहम नहीं आया जिनमें साइबर सिटी गुड़गांव भी शामिल है। सवाल ये है कि आखिर सीएम की मेहरबानी केवल करनाल पर क्यों, बाकी 7 जिलों की अनदेखी सीएम ने क्यों की, विकास में पिछड़े जिलों पर सीएम की नजर क्यों नहीं है, क्या विकास सिर्फ सीएम के शहर तक सिमट कर रह गया है, विकास को लेकर सीएम अपना पराया क्यों कर रहे हैं। शहर की सियासत उस वक्त भी सुर्खियों का हिस्सा बनी जब स्मार्ट सिटी की रेस में मिलेनियम सिटी गुड़गांव को छोड़ करनाल को आगे कर दिया गया। तब सवाल भी अपनों के थे और जवाब भी। कुछ ऐसे ही सवाल एक बार फिर उठने को तैयार हैं, क्योंकि इस बार बात सिर्फ गुड़गांव की नहीं बल्कि सूबे के उन 7 जिलों की है जिनसे मुखिया ने मुंह मोड़ लिया। ब्यूरो रिपोर्ट, हरियाणा न्यूज। हमारे साथ अभय जैन जी, पॉलिटिकल एक्सपर्ट। अभय जैन जी नमस्कार। हमारे साथ बीजेपी के विधायक पवन सैनी जी इस वक्त फोन लाइन पे हैं, लेकिन अभय जी सबसे पहले आपके पास आता हूँ। क्या कहेंगे आप, ये जो आरटीआई सामने आई है,
ऐसा हम कोई पहली बार नहीं देख रहे हैं, इससे पहले भी आपने खुद एक आरटीआई लगाई थी जिसमें ये जानकारी हासिल हुई थी आपको कि ज़्यादातर जो योजनाएं जैसा कि पिछली सरकार भूपेंद्र सिंह हुड्डा के नेतृत्व में चली प्रदेश के अंदर, उस पर भी भेदभाव के आरोप लगते रहे। ये सरकार भी उसी सरकार के रास्ते आगे बढ़ती हुई नजर आ रही, क्या ये कहना गलत होगा? ठीक होगा। अगर खट्टर साहब का भी 15 महीने का टेन्योर अगर आप देखेंगे तो उससे यह बात बिल्कुल सिद्ध हो गई है कि खट्टर साहब भी ज़्यादा करनाल के बारे में ज़्यादा सोच रहे हैं और बाकी हरियाणा के जिलों के बारे में कम चिंतन कर रहे हैं। यहाँ एक बात और आपको बताना चाहूँगा, गुड़गांव जिले के अंदर, जबकि गुड़गांव की आप बार बार बात कर रहे हैं, उन्होंने 50 घोषणाएं की अपने टेन्योर में और सिर्फ 3 अभी पूरी हुई हैं और 47 पर भी बजट भी सैंक्शन नहीं हुआ है। तो ये बात साफ दिखाता है कि खट्टर साहब पूरे राज्य के साथ भेदभाव कर रहे हैं, खाली करनाल के बारे में सोचते हैं, बाकी हरियाणा जो कि महत्वपूर्ण शहर हैं फरीदाबाद गुड़गांव पंचकुला और जिलों के बारे में नहीं सोच रहे। जो उन्होंने जो आपके हुड्डा साहब ने जो अपने टेन्योर में किया उसी कदमों पर खट्टर साहब भी चल रहे हैं, तो ये गलत है। खट्टर साहब अब देखिए, और देखिए आप इस सारे पहलू में एक बात समझ में आती है कि हुड्डा साहब थे वो पॉलिटिशियन थे, हुड्डा से रोहतक से थे, रोहतक उन्होंने विस्तार किया, परंतु खट्टर साहब आरएसएस के आदमी है, वो कोर पॉलिटिशियन नहीं है, परंतु उसके बावजूद भी मुख्यमंत्री बने, अब वो करनाल तक सीमित होकर रह गए, तो ये उनको तो बल्कि पूरे हरियाणा के चिंतन करना चाहिए, उनको करनाल से बाहर निकलना चाहिए। बाहर निकलना चाहिए। हम स्वैच्छिक कोटे पर भी बात करेंगे। हमारे साथ बीजेपी के विधायक पवन सैनी जी फोन लाइन पे हैं। पवन जी, मेरी आवाज सुन पा रहे हैं आप? चलिए, लगता है संपर्क टूट गया। लेकिन अभय जी, जो सीएम का स्वैच्छिक कोटा है जिसमें से ये रकम निकली है 14,31,00,000 रुपए की, जो तमाम योजनाओं में बांटे गए हैं, और जैसा कि हम जानकारी दे रहे हैं जो आरटीआई के जरिए सामने आई है, 61% यानी तकरीबन 8,76,00,000 रुपए करनाल के गांव संस्थानों और स्कूलों को दिए गए। ये स्वैच्छिक कोटे के बारे में थोड़ा सा आप बताएं कि आखिर क्या ये एक किसी तरह का कोई नियम है कि आपको अपने जो आपका निर्वाचन क्षेत्र है, आपकी कॉन्स्टिट्यूएंसी है, आपको उसी पर ज़्यादा पैसा खर्च करना है या उसी पर ज़्यादा योजनाओं को लेकर रकम बांटनी? देखिए, अगर आप देखेंगे तो उन्होंने 14 करोड़ बहुत बड़ा अमाउंट नहीं होता। मैं समझता हूँ कि स्वैच्छिक कोटे से उन्होंने जो करनाल में खर्च किया है गलत है, पर ज़्यादा गलत नहीं है। क्यों? अगर आप रामविलास शर्मा जी की या धनखड़ जी की या अभिमन्यु जी की और मंत्रियों का अगर देखेंगे तो उन्होंने भी 2-3-4 करोड़ रुपये अपने क्षेत्र में खर्च किया होगा। तो 14 करोड़ बहुत बड़ा अमाउंट नहीं है, गलत किया अलग बात है, परंतु ये अमाउंट छोटा है। आप 14 करोड़ से बड़े अमाउंट को कंपेयर ना करें। उन्होंने मान लो दिल्ली में कुछ अमाउंट दिया, अभी आपने बताया उन्होंने हरिद्वार में कुछ अमाउंट दिया, तो छोटा छोटा अमाउंट है, ये इतना बड़ा महत्वपूर्ण अमाउंट नहीं है। ठीक है, बड़ी बड़ी योजनाओं की अगर बात, हमें बात करनी चाहिए बड़ी योजनाओं की। अगर स्वैच्छिक कोटे से अगर अपने क्षेत्र में कोई मंत्री एमएलए या एमपी काम कर रहा है तो ज्यादा बड़ा गलत नहीं है, परंतु क्योंकि वो मुख्यमंत्री है, स्वैच्छिक कोटे से बाहर निकल के बाकी योजनाओं के बारे में उनको बाकी हरियाणा के बारे में सूचना करना चाहिए। ठीक है। हमारे साथ डॉक्टर पवन सैनी साहब बीजेपी के विधायक इस वक्त फोन लाइन पे हैं, साथ ही साथ कांग्रेस के प्रवक्ता बिजेंद्र सिंह काद्यान हमारे साथ हैं। सैनी साहब, मेरी आवाज सुन पा रहे हैं आप? बहुत बढ़िया तरीके से सुन रहा हूं आप। जी, क्या कहेंगे आप जो डिबेट चल रही है स्वैच्छिक कोटे को लेकर, जो जानकारी आरटीआई के जरिए सामने आई है कि स्वैच्छिक कोटे से जितनी रकम योजनाओं के लिए दी गई बांटी गई 61% सिर्फ करनाल के लिए थी, क्या ये विकास में भेदभाव नहीं है? क्या इसको विकास में भेदभाव ना समझा जाए? देखिए, बिल्कुल नहीं। मैं बता, अब तक के जितने मुख्यमंत्री हुए हैं, मैं उन दूसरे मुख्यमंत्रियों के बारे में चर्चा नहीं करना चाहता, परंतु आज चौपाल पे बैठ करके ये चर्चा लोगों के अंदर है भाई, मनोहर लाल जी जो हरियाणा के मुख्यमंत्री है बहुत ईमानदार मुख्यमंत्री है, नंबर 1। दूसरा, पिछले जितने मुख्यमंत्री रहे, अगर सिरसा के रहे तो सिरसा के अंदर विकास हुआ है, भिवानी के रहे तो भिवानी में हुआ है, अगर हिसार के होते हिसार में है, रोहतक के होते रोहतक और झज्जर में, रोहतक लोकसभा के अंदर, उन्होंने सुनिए, ये अच्छी बात है क्या? मतलब वो उस इलाके के अंदर विकास करे, उनके अंदर क्षेत्रवाद की बदबू मारती थी, ये पहले मुख्यमंत्री। चलिए, हमारे साथ हरेंद्र ढींगरा फोन लाइन पे हैं, जिन्होंने ये पूरी आरटीआई लगाई है, वो आरटीआई कार्यकर्ता हमारे साथ फोन लाइन पे। हरेंद्र जी, मेरी आवाज सुन पा रहे हैं आप? हाँ जी, बिल्कुल आ रही आवाज। बहुत, ये जो आरटीआई के जरिए आपको जानकारी मिली है सर, क्या कुछ सवाल आपने इस आरटीआई में पूछे थे, क्या आपको संतोषजनक जानकारी उसकी मिली? जना, संतोषजनक मिली, मगर जो तथ्य सामने निकल कर आया है वो थोड़े अजीब से हैं। जैसा कि ये कहा जाता था कि ये सरकार और सरकारों से अलग है, जी वो ये नहीं पाया गया। अगर आप देखें तो 14 करोड़ एक साल में बांटे गए हैं और उसमें 8,61,00,000 रुपए सिर्फ करनाल को दिए गए हैं, और आपको हैरानगी होगी अगर आप सीरियल नंबर 34, 35, 36, 37, 38, 39, 40 से देखें तो एक एक
गाँव को, गाँव दादरी, गाँव कछवा, करनाल के गाँव शरीफा वगैरह, गाँव रतनगढ़, गाँव कलमपुर, गाँव पुंदरक, एक एक करोड़ रुपए इन गाँव को ही दिया गया सीएम कॉन्स्टिट्यूंसी। आउट ऑफ 14 करोड़ सम रुपीज 6 करोड़ तो इन 6 गाँव को ही दिया गया जी। टोटल 8 करोड़ कुछ रुपया करनाल को दिया गया, यही पहले होता है, हम यही कहने की कोशिश करें। तो आपको लगता है हरिंद जी ये जो पूरा मामला, आपने जो सवाल पूछा था, जो आपका कंसर्न था, वो सही निकला और ये सरकार भी पिछली सरकार की तरह ही, जैसा कि पिछली सरकार पर आरोप लगते रहे, ये सरकार भी उसी रास्ते पे चल रही है? बिल्कुल उसी तरह हमने जानकारी निकाली थी, जैसे हमने हुड्डा साहब को एक्सपोज किया था, हमने ये भी देखना चाहते थे क्या ये उनसे हटके है या नहीं है, सभी एक ही राह पे चल रहे हैं सब। चलिए, बेहद शुक्रिया हरिंद ढिंगरा जी आपका हमारे साथ जुड़ने के लिए। पवन सैनी जी, क्या कहेंगे आप? आप ये कह रहे थे कि जहां जहां के जिस जिस कॉन्स्टिट्यूएंसी के मुख्यमंत्री रहे हैं, वहां पर लाजमी था कि उन्होंने ज्यादा पैसा या ज्यादा इन्वेस्टमेंट या ज्यादा योजनाएं और उसके लिए जो रकम बांटी गई वो एक अनायास हुआ है या फिर वो किया गया है। ऐसा ही मुख्यमंत्री मनोहर लाल खट्टर कर रहे हैं अपनी स्वैच्छिक कोटा के तहत। लेकिन मसला यह है कि आप जब विपक्ष में थे तब आपने ये आरोप क्यों लगाए भूपेंद्र सिंह हुड्डा पर कि आप विकास में भेदभाव कर रहे हैं, आप रोहतक को ज्यादा तवज्जो दे रहे हैं? सनी साहब, ये सुनिए, ये हरियाणा की आरटी लगा के देखे, लाडवा से मैं विधायक हूँ, लगभग 60 करोड़ रुपए मैंने इस विधानसभा क्षेत्र में खर्च करने का काम किया। रहीसा खान जी हमारे आजाद उम्मीदवार है, निवास में हमारे मुख्यमंत्री जी ने 800 करोड़ रुपए की घोषणा की वहाँ और काम चल रहा वहाँ। मैं कहता हूँ जब से हरियाणा बना है, निवास जिला बना है, सबसे डेवलपमेंट के काम इस सरकार के अंदर है। मैं भाई से निवेदन करना चाहता हूँ आपके माध्यम से, ये पूरे हरियाणा की आरटी लगा के देखे, क्योंकि ये मुख्यमंत्री पहले जिन्होंने प्रधानमंत्री जी का मूल मंत्र है सबका साथ और सबका विकास, उस मूल मंत्र को लेकर के चलने वाली सरकार है। और हमारे मुख्यमंत्री जी में तो कहीं भी रत्ती पर भी छोटी थोड़ी सी भी सनाल नहीं आती और हम सभी सारे विधायकों के साथ लेकर के चल रहे हैं। मैं इस पर प्रतिक्रिया ले लेता हूँ। विजेंद्र सिंह कादियान जी हमारे साथ कांग्रेस के प्रवक्ता है। कादियान साहब, क्या कहेंगे आप? जी हेलो जी, हाँ जी बोलिए। विजेंद्र सिंह जी, जो डेटा सामने आया आरटीआई के जरिए जिसकी हम बात कर रहे हैं लगातार, सीएम के स्वैच्छिक कोटे से 14 करोड़ 31 लाख रुपए बांटे गए दिसंबर 2014 से दिसंबर 2015 एक साल के दरमियान, इसमें से 61% यानी 8 करोड़ 76 लाख रुपए केवल करनाल जिले के लिए, जिसमें करनाल के गांव, संस्थान और ये स्कूलों को दी गई रकम है और बाकी के 5 करोड़ 55 लाख रुपए दूसरे 14 जिलों को दिए गए हैं। हम विकास में भेदभाव की बात कर रहे हैं, हम ये कह रहे हैं कि दूसरे जिलों के साथ इतना अन्याय क्यों, करनाल जिले को ही इतनी तवज्जो क्यों, क्या इसके पीछे ये कारण है कि सीएम उसी कॉन्स्टिट्यूएंसी से आते? बिल्कुल आपने सही कही कि मुख्यमंत्री जी की कॉन्स्टिट्यूएंसी है करनाल और जो पैसा उन्होंने यहाँ दिया आरटीआई के साथी ने जो आरटीआई के माध्यम से पता किया, इससे साफ जाहिर होता है कि इस पैसे के देने से अक्षेत्रवाद की बू आती है। और जैसे पहले ये भाजपा के लोग बार बार कहते थे कि कांग्रेस की सरकार में भेदभाव हो गया, क्षेत्रवाद है, भाई भतीजावाद है, तो इस बात से साबित हो रहा है कि मनोहर लाल जी खट्टर, उन्होंने भी अपने हल्के में इस तरीके के पैसे खर्च करके साबित कर दिया कि वो भी अक्षेत्रवाद के पक्षधर है। जहां तक दूसरे कॉन्स्टिट्यूंसी और डिस्ट्रिक्ट की बात है, मेरा जिला पानीपत है और पानीपत जिले में आज से काफी दिन पहले शुगर मिल के लिए पत्थर रखकर मुख्यमंत्री जी गए थे और आज तक उस पर कोई काम शुरू नहीं हुआ। अब हमारी भारतीय जनता पार्टी के साथी ने कहा कि बड़ी स्कीमों की बात करो, ज्यादा इन्वेस्टमेंट होनी उसकी बात करो, तो करनाल की बात के साथ साथ में पानीपत जिला हमारा करनाल के बिल्कुल एडजॉइनिंग जिला है और शुगर मिल पानीपत में ऑलरेडी है, उस शुगर मिल को वहां से शिफ्ट कर करके दूसरी जगह लगाने की बात है और कांग्रेस की सरकार ने इस बात को अप्रूव किया था कि यहाँ शुगर मिल लगाया जाएगा। ठीक है, विजेंद्र सिंह जी आप बने रहिए हमारे साथ, हम एक छोटे से ब्रेक के लिए रुक रहे हैं, लेकिन ब्रेक के उस पार जब आएंगे, डिबेट अब इस मोड़ पर आ गई है क्योंकि मौजूदा सरकार जब विपक्ष में थी, मौजूदा पार्टी जब सत्ता में है, जब विपक्ष में थी, तब उस समय की सरकार के मुखिया पर वो भेदभाव का आरोप लगाती थी, सिर्फ एक जिले को जहां से उनकी कॉन्स्टिट्यूएंसी जुड़ी हुई थी उसको ज्यादा तवज्जो देने की बात करती थी। और अब जो है मुख्यमंत्री, जो मौजूदा मुख्यमंत्री है, उनकी जो कॉन्स्टिट्यूएंसी है वो उनको उसको तवज्जो ज्यादा दे रहे हैं। क्या एक सीएम का ये व्यवहार हो जाता है या कोई व्यक्ति जो सीएम पद पर आ जाता है उसका एक साधारण सा व्यवहार हो जाता है क्या, इस पर भी हम चर्चा करेंगे। और सवाल ये भी है कि जो पिछड़े जिले हैं प्रदेश में उन पर क्यों नहीं ध्यान दिया जा रहा है। एक छोटा सा ब्रेक हम ले रहे हैं, जल्द होंगे आज।
एक इम्पोर्टेंट मैसेज, अगर आपको टीवी सीरियल देखने का शौक है तो जल्द से जल्द अपने घर में सेट टॉप बॉक्स लगाइए। क्यों? क्योंकि सेट टॉप बॉक्स लगाने की आखिरी तारीख निकल चुकी है। तो आप टीवी सीरियल कभी भी बंद हो सकते हैं। सीरियल्स के बिना दिन कैसे कटेंगे हमारे? आप ही बताइए ना, कौन सा सेट टॉप बॉक्स लगवाए? सिंपल, सेट टॉप बॉक्स मतलब डिश टीवी, क्योंकि डिश टीवी 10 करोड़ लोगों की पसंद, इंडिया का सबसे भरोसेमंद डीटीएच ब्रांड भी यही है। और हाँ, अब डिश टीवी के साथ अपना मनोरंजन खुद चुनिए, पैक सिर्फ 99 रुपए से शुरू। सेट टॉप बॉक्स मतलब डिश टीवी। वो कौन है, वो कौन है जो खुशबू लाता है, स्वाद बढ़ाए खाने में और सेहत बनाता है, तो बोलो बोलो। पापा। मम्मी। खाने को टेस्टी बनाता है लक्ष्य शुद्ध देशी घी, खुशबू और स्वाद में हिट, सेहत को रखे फिट। लक्ष्य शुद्ध देशी घी, स्वाद और सेहत की बात शुद्धता के साथ। सोनीपत के पास जीटी रोड पर हमारा एक्सीडेंट हो गया है, आपको तो पता है ना, प्रिया प्रेग्नेंट है। डोंट पैनिक, हम दिल्ली आ रहे हैं। दिल्ली नहीं, फिम्स हॉस्पिटल सोनीपत जाओ, वहाँ सारी फैसिलिटीज हैं। फिम्स हॉस्पिटल, अ सुपर स्पेशलिटी हॉस्पिटल, सोनीपत हरियाणा। फिम्स हॉस्पिटल, Nurturing life. First wish pregnancy test kit. अब घर बैठे माँ बनने की खुशी को करें पक्का, सिर्फ 5 मिनटों में। अब आपकी first wish, Helbrede first wish. सरकारी नौकरी मिलती नहीं या आप लेते नहीं, बेरोजगार रहने के 2 कारण हैं, या तो आप कोशिश नहीं कर रहे या आपकी दिशा गलत है। सरकारी नौकरी कैसे पाई जा सकती है, देखिए हमारा खास कार्यक्रम कैसे पाएं सरकारी नौकरी, हर रोज दोपहर 2:30 बजे। ब्रेक के बाद बड़ी खबर में आपका एक बार फिर से स्वागत है। सीएम के स्वैच्छिक कोटे से 1 साल के दौरान जो रकम बांटी गई योजनाओं के नाम पर, करनाल में 61% उस रकम का हिस्सा रहा, इसलिए ये सवाल उठ रहे हैं कि बतौर मुख्यमंत्री क्या वो भेदभाव कर रहे हैं। और एक सवाल ये भी है कि दिल्ली और हरिद्वार तक के लिए रकम को दिया गया, वहां पर रकम बांटी गई स्वैच्छिक कोटे से, जो प्रदेश के 7 जिले हैं जिनको हम पिछड़ा जिला कह रहे हैं, जो चाहे दक्षिण हरियाणा की हम बात कर लें, वहां पर क्यों नहीं ध्यान दिया, वहां के लिए क्यों नहीं उन रकम को आवंटित किया, वहां पर क्यों नहीं योजनाएं बनाई गई? अभय जी क्या कहेंगे आप? देखिए अभी आपने दिल्ली और जो हरिद्वार का जिक्र किया, उन्होंने दोनों संस्थाओं हुए हैं जो किसी तरह बीजेपी से RSS जुड़े हुए हैं। हाँ, तो एक तो सीएम साहब को ये बात छोड़नी होगी, वो पूरे हरियाणा के मुख्यमंत्री हैं, वो RSS बीजेपी की बात से बाहर निकलना होगा उनको। हाँ। और खास तौर पर जो उन्होंने हरिद्वार में और दिल्ली में पैसा दिया, वो अगर एक कोई निजी संस्था की ना होकर कोई गरीबों की संस्था होती या कोई
ओल्ड एज पेंशन होता है या कोई गरीबों का स्कूल चल रहा होता वहाँ देते तो नेचुरल रूप से कोई उसका विवाद नहीं होता ना उसको कोई आलोचना होती। उनका बाहर पैसा देना और वो भी आरएसएस या बीजेपी की शाखाओं का पैसा देना गलत है। बात आप करें हरियाणा की, तो हरियाणा में उन्होंने पैसा जो बाकी जिलों में दिया है अपने कोटे से वो निश्चित रूप से क्वेश्चन मार्क रेज करता है, क्योंकि ज्यादातर पैसा उन्होंने अपने करनाल क्षेत्र में दिया है। हरियाणा के अगर बाकी क्षेत्रों में कुछ रूप से पैसा अगर बांटते तो निश्चित रूप से हमें लगता कि हरियाणा के मुख्यमंत्री को पूरे जिले की चिंता है और बाकी जिलों की भी चिंता है, ये उन्हें निश्चित रूप से सोचना होगा और आगे अपनी कार्यशैली को बदलना होगा। ठीक है, हमारे साथ इनेलो के विधायक परमिंदर सिंह ढुल साहब फोन लाइन पे हैं। ढुल साहब मेरी आवाज सुन पा रहे हैं आप? ढुल साहब मेरी आवाज आपको मिल रही है? हाँ मिल रही है। हम लोग बात कर रहे हैं सीएम के स्वैच्छिक कोटे की, जो जानकारी आरटीआई के जरिए सामने आई है 61% करनाल पर खर्च किया गया, रकम बांटी गई वहां पर, योजनाओं को पूरा किया गया है। हम कह रहे हैं कि स्वैच्छिक कोटे से जो रकम सीएम ने बांटी है उसमें हिस्सा हरिद्वार को भी गया है, उसमें हिस्सा दिल्ली के जो संस्कार भारती है उसको भी गया है, लेकिन जो प्रदेश के जो पिछड़े जिले हैं उनके खाते में कुछ भी नहीं आया है, क्या कहेंगे? नहीं, ये तो हमने जब इस विधानसभा का नई का गठन हुआ उस समय जब पहला सेशन चला था उस समय भी हमने ये कहा था कि आपका पिछली सरकारों के अंदर हरियाणा भेदभावपूर्ण राज रहा है, कांग्रेस के राज में तो स्पष्ट देखने को मिला। धीरे धीरे जब बजट सेशन आया तो बजट सेशन के अंदर मुख्यमंत्री ने घोषणा की थी और श्वेत पत्र भी आया था। उस श्वेत पत्र में उन्होंने माना कि कांग्रेस के राज में बहुत से जिलों के साथ एक व्यवहार किया गया जिसमें जिन जिला भी शामिल है कि जहां सरकार कांग्रेस सरकार ने विकास के नाम पर केवल घोषणाएं की। हमने ये चेताया था कि आप भी केवल घोषणाएं करने का काम करेंगे और श्वेत पत्र जारी होने के बाद सरकार के मानने के बाद आज फिर वही भारतीय जनता पार्टी का यही एक चरित्र है। इस प्रकार से चौधरी भूपेंद्र सिंह हुड्डा का 10 साल का शासन एकमात्र क्षेत्र सीमित रह गया। आज इनका भी ऐसा ही लगता है कि क्षेत्र के अंदर ही अपना राज कायम करने की या विकास करने की कोशिश कर रहे हैं, बल्कि बाकी हरियाणा आज अछूता है। चाहे आप ये इनकी जो स्वैच्छिक ग्रांट का मामला ले लीजिए, स्वैच्छिक ग्रांट के ऊपर मुख्यमंत्री का जाना हर जिले में होता है। जननायक चौधरी देवीलाल और चौधरी ओम प्रकाश चौटाला गाँव गाँव घूमकर बिल्कुल अस्पताल लगाया करते, जो भी लोगों की डिमांड होती थी, गाँव की डिमांड होती थी वही तुरंत पूरी करते थे। हमने ये कहा कि आप उस प्री पार्टी की घोषणा करिए, उस पर चलिए। आप ये देखिए कि मुख्यमंत्री जी ने ये घोषणा की थी कि हर विधायक को 5-5 करोड़ रुपए क्षेत्र के विकास के लिए भी देंगे। आज 1.5 साल से केवल और केवल 60 लाख रुपए के काम मेरे कहने के बावजूद जो मंजूर किए गए बार बार कहने के बावजूद, तो किस प्रकार से आज ये सरकार जो है एक समूचे हरियाणा को विकसित करने का नारा ले रही है। चलिए, और ये हरियाणा आज ठगा है। बहुत शुक्रिया परमिंदर साहब, वक्त की कमी हमारे पास है लेकिन आप हमारे साथ जुड़े बहुत शुक्रिया। अभय जी लास्ट कमेंट आपसे चाहूंगा, जिस तरह से आपने भी आरटीआई इस पर लगाई थी और आपको भी ये जानकारी मिली थी, ये जो स्वैच्छिक राशि है, स्वैच्छिक ग्रांट है, इसको कैसे ठीक से वितरित किया जा सकता है अगर हम मुख्यमंत्री की बात कर रहे हैं तो? देखिए, अगर देखेंगे तो राज्य के जो सांसद होते हैं, एमएलए होते हैं, मंत्री होते हैं और मुख्यमंत्री होते हैं, सबको स्वैच्छिक कोटा मिलता है। वो निश्चित रूप से वो अपने क्षेत्र में खर्च करते हैं, पर जो मुख्यमंत्री होता है उसका स्वैच्छिक कोटा इसलिए ज्यादा होता है ताकि वो पूरे हरियाणा में खर्च करें। उसका अधिकार है कि आप क्योंकि वहां से चुना है तो नेचुरल वहां के लोग ज्यादा आएंगे, ज्यादा उनसे अपेक्षा करते हैं, परंतु इसका मतलब ये नहीं कि ज्यादातर खर्च अपने ही क्षेत्र में करें, क्योंकि स्वैच्छिक कोटा मुख्यमंत्री को ज्यादा मिलता है तो उनका पूरा दायित्व बनता है कि पूरे हरियाणा को समान रूप से देखें और बाकी हरियाणा के अंदर भी अपने स्वैच्छिक कोटे से वो खर्च करें। और दूसरा, मैं मुख्यमंत्री जी को सलाह देना चाहूंगा, वो बीजेपी और आरएसएस से बाहर निकलें, वो इन संस्थाओं के अलावा जो भी डिजर्विंग संस्थाएं हैं उनको सहायता करें। चलिए, बेहद शुक्रिया अभय जी आपका हमारे साथ जुड़ने के लिए, इस तमाम चर्चा में शामिल होने के लिए। तो मनोहर लाल खट्टर प्रदेश के मुखिया, जिनका लगाव करनाल से साफ देखा जा सकता है, लेकिन यहाँ पर जब हम इस मुद्दे को उठा रहे थे तो मुद्दा ये भी था कि जो विचारधारा है या फिर पार्टी की जो पृष्ठभूमि है, चाहे वो आरएसएस से जुड़ी हुई हो, जैसा कि हमने बात की दिल्ली के संस्कार भारती की या फिर हरिद्वार की भारत माता ट्रस्ट की, उन सब चीज़ों से मुख्यमंत्री को निकलना होगा। प्रदेश के जो पिछड़े ज़िले हैं जहाँ पर ज़रूरी है योजनाएं लाना, जहाँ पर ज़रूरी है विकास की उसको मुख्य धारा से जोड़ना, वहाँ पर फोकस करने की बहुत ज़्यादा ज़रूरत है। उम्मीद करते हैं कि अगले स्वैच्छिक कोटे में या स्वैच्छिक ग्रांट से मुख्यमंत्री इन ज़िलों का भी उद्धार करते हुए नज़र आएंगे, इनके लिए भी योजनाएं बनाएंगे। फिलहाल बड़ी खबर में इतना ही, नमस्कार।